बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमानी, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप यूज्ड कंडीशन में कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं और आपका बजट 30 से 60 हज़ार के दरमियान है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ऐसे स्मार्टफोन्स जो इस प्राइस पैकेट में आपको बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मैं दोस्तों आईफोन, सैमसंग, रेडमी, वीवो, तकरीबन सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन शामिल करूँगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ जाऊँगा। 30 से 40 हज़ार की प्राइस टैग के 4 स्मार्टफोन शामिल होंगे, 40 से 50 हज़ार के 3 और 50 से 60 हज़ार की प्राइस टैग के भी 3 ही मोबाइल फ़ोन शामिल होंगे। तो चले 30 से 40 हज़ार की प्राइस टैग की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने स्मार्टफोन शामिल किया दोस्तों, वो है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 8 प्रो। 6GB 128GB के कॉम्बिनेशन में मिलता है। अगर हम न्यू की बात करें तो ये 44,000 का है, लेकिन दोस्तों मैं क्योंकि यूज मोबाइल फ़ोन की वीडियो बना रहा हूँ तो इस प्राइस में अगर आपका बजट 30 से 40 हज़ार के दरमियान में है तो ये आपको 32 से 34 हज़ार की प्राइस में बआसानी मिल जाएगा, 10x10 कंडीशन में विद फुल बॉक्स। पीटी अप्रूव्ड लेना है मोबाइल दोस्तों। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, हमेशा मोबाइल पीटी अप्रूव्ड ही बॉय करें। पीटी अप्रूव्ड मोबाइल ना हो तो हरगिज़ बॉय ना करें। खैर, मोबाइल में आपको 6.5 इंचज़ का IPS डिस्प्ले मिलता है। IPS डिस्प्ले है लेकिन इस प्राइस टैग में चलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सबसे हॉट पॉइंट है दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का, वो इसका चिपसेट है। यहाँ पर आपको मीडिया टैक का हेलियो G90T का प्रोसेसर मिलता है, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है दोस्तों। इस प्राइस टैग में ये पहला स्मार्टफोन था जिसमें हमें ये प्रोसेसर देखने को मिला था। अगर आप गेमिंग लवर हैं दोस्तों, गेम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। यहाँ पर आपको साथ में वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है, यानी अगर आप मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो मोबाइल के हीट अप होने के कोई चांसेस ही नहीं है। मोबाइल के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ये आपको माइक्रो कैमरा मिलता है। फ्रंट पर आपको दोस्तों 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है। इसके साथ मोबाइल में आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग। बैक और फ्रंट दोनों पर ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, यानी आपको इस प्राइस टैग में बिल्ड क्वालिटी भी गिलास की मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 30 से 35 हज़ार के दरमियान है तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। 30 से 40 हज़ार की प्राइस टैग में जो सेकंड स्मार्टफोन है दोस्तों, वो सैमसंग की तरफ से है। तो अगर आप एक ब्रांड कॉन्शियस हैं तो मैंने आपकी चॉइस का भी खास ख्याल रखा है। मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A50 की, जो कि 4GB 128GB के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। यहाँ पर आपको दोस्तों 6.4 इंचज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। प्लस पॉइंट ये है, आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। मोबाइल के बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, 25 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। फ्रंट की बात करें, फ्रंट पर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलने वाला है। प्रोसेसर दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सिनोज 9610 का मिलने वाला है, जबकि मोबाइल में आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है और साथ में आपको 15W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। तो अगर आप सैमसंग का ही मोबाइल फोन बाय करना चाहते हैं तो 30 से 40 हज़ार की प्राइस टैग में दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। प्राइस की बात करें तो ये दोस्तों आपको 32 से 35 हज़ार में बआसानी मिल जाएगा, 10x10 कंडीशन में। अगेन दोस्तों, मोबाइल बॉक्स के साथ ही बॉय करना और IMEI बॉक्स के साथ लाजमी मैच कर लिया करें। इसके बाद जो स्मार्टफोन वो हुआवे की तरफ से है, हुआवे Nova 3। मैं Nova 3i की बात नहीं कर रहा हूँ, Nova 3 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको 4GB 128GB का कॉम्बिनेशन मिलता है, 6.3 इंचज़ का IPS डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो हॉट पॉइंट है दोस्तों, वो इसका प्रोसेसर है। इस प्राइस टैग में काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिलता है आपको दोस्तों। किरण की तरफ से 970 का प्रोसेसर मिलता है, 10 नैनोमीटर पर बेस्ड, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। गेमिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आप इस पर PUBG, Fortnite या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स को बआसानी खेल पाएंगे, कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। जबकि इसके साथ साथ मोबाइल के बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, 24 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल। मज़े की बात यह है, आप इसके बैक कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि मोबाइल के फ्रंट पर भी आपको ड्यूल कैमरा सेटअप ही मिलता है, 24 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। मोबाइल में आपको 3750 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग भी। इसके साथ मोबाइल में आपको टाइप सी भी मिलती है। इस प्राइस टैग में अगर आप एक हुआवे का स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। प्राइस की बात करें तो ये 36 से 40 हज़ार के दरमियान 10x10 कंडीशन में बआसानी मिल जाएगा। 30 से 40 हज़ार की लिस्ट में जो आखिरी स्मार्टफोन है वो पोको फोन की तरफ से है, पोको F1।
बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। 6GB 128GB का कॉम्बिनेशन है, 6 इंचज की आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड, बहुत ही पावरफुल है। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फोर्टनाइट जैसी गेम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई लैक नहीं आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो GPU मिलता है वो एड्रीनो 610 का मिलता है, तो कुल मिला के बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल और 3 मेगापिक्सल, लेकिन आप इसके जरिए 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोस्तों एक और मज़े का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, वीडियो स्टेबलाइजेशन, यानी आप 1080p पर अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिलेगी, 4K में नहीं मिलने वाली है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, जबकि मोबाइल में आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलने वाली है और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो दोस्तों 30 से 40,000 की प्राइस टैग में ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त आपकी चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको 38 से 40,000 की प्राइस में 10x10 कंडीशन में बासानी मिल जाएगा विद फुल बॉक्स, बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 4 स्मार्टफोन 30 से 40,000 की प्राइस टैग में। अब शामिल करते हैं 40 से 50,000 की प्राइस टैग में 3 स्मार्टफोन्स। इस लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है हमारे पास वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 2F, बहुत ही शानदार मोबाइल फ़ोन है दोस्तों। 8GB 128GB का कॉम्बिनेशन मिलेगा, 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, और हाँ अगर आप पॉपअप कैमरा लवर हैं और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी चाहिए तो दोस्तों ये दोनों ही फीचर आपको एक मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगे। मोबाइल में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया दोस्तों वो मीडियाटेक का हीलियो P70 का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है प्राइस टैग के हिसाब से। जबकि मोबाइल के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही आपको माइक्रो कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। दोस्तों किसी भी मोबाइल फ़ोन की तमाम स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं डिटेल से बताने लगूँ तो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इन तमाम मोबाइल फ़ोन की रिव्यू वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ मोबाइल रेनो 2F में आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में आपको 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। तो कुल मिला के दोस्तों इस प्राइस टैग में ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। मोबाइल की प्राइस की बात करें तो 42,000 से 45,000 में ये आपको बासानी मिल जाएगा 10x10 कंडीशन में। इसके बाद जो इस लिस्ट में स्मार्टफोन है दोस्तों वो सैमसंग की तरफ से है। अगेन अगर आप एक ब्रांड कॉन्शियस है और 40 से 50,000 की प्राइस टैग में कोई सैमसंग का ही मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A70 की, जिसका अभी सक्सेसर मार्केट में आया गैलेक्सी A71, लेकिन मैं गैलेक्सी A70 की बात कर रहा हूँ। 6GB 128GB के कॉम्बिनेशन में मिलेगा, 6.7 इंचज का आपको सुपर एमोलेड और काफ़ी बड़े साइज का डिस्प्ले मिलने वाला है। अगर आप इस पर कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। मोबाइल के बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है दोस्तों, 32 मेगापिक्सल, 18 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, जबकि फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। जबकि प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है। GPU की बात करें तो यहाँ पर एड्रीनो 612 का लगाया गया है, तो कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों काफ़ी पावरफुल बन जाता है। आप इस पर गेमिंग वगैरह भी बासानी कर सकते हैं, कोई लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ मोबाइल में आपको 4500mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलने वाली है और साथ में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग का ही कोई मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको गैलेक्सी A70 से कोई बेटर मोबाइल फ़ोन नहीं मिल सकता। प्राइस की बात करें तो ये आपको 46,000 से 50,000 के दरमियान बासानी मिल जाएगा 9x10 कंडीशन में। आगे चलते हैं इस लिस्ट में जो अगला स्मार्टफोन है दोस्तों वो वीवो की तरफ से है, वीवो V17 Pro, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों। 8GB 128GB का आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जबकि यहाँ पर आपको 6.4 इंचज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। अगेन दोस्तों अगर आप पॉपअप लवर हैं तो यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। मोबाइल के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, जबकि मोबाइल के फ्रंट पर भी आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, ड्यूल पॉपअप सेल्फी कैमरा दोस्तों, 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। आप इसके फ्रंट कैमरा से अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल पर शूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगा दोस्तों, क्योंकि आपको फ्रंट पर भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है। इसके साथ मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, तो कुल मिला के दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप इस मोबाइल फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में आपको 4000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है और साथ में आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी। तो दोस्तों अगर आप 40 से 50,000 की प्राइस टैग में कोई बेस्ट मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये मोबाइल फ़ोन भी आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है यूज्ड कंडीशन में। तो दोस्तों ये थी 40 से 50,000 की लिस्ट। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट स्टेज यानी 50 से 60,000 के दरमियान।
इस लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है दोस्तों वो एप्पल की तरफ से है, आईफोन 7 प्लस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक आईफोन लवर हैं और 50 से 60,000 के दरमियान कोई मोबाइल फ़ोन बॉय करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। मोबाइल में आपको 3GB 32GB का कम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जबकि 5.5 इंचज की आपको IPS डिस्प्ले मिलने वाला है। IPS डिस्प्ले है दोस्तों, हालांकि इससे पीछे वाली लिस्ट यानी 30 से 40,000 के लिस्ट में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर IPS डिस्प्ले है। लेकिन फिर भी लोग इसे बॉय करेंगे जो आईफोन लवर हैं, जबकि मोबाइल में आपको एप्पल A10 फ्यूजन का प्रोसेसर मिलता है। मोबाइल के बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल, जबकि फ्रंट पर आपको जस्ट 7 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। बैटरी की बात करें तो मोबाइल में आपको जस्ट 2900 mAh की बैटरी मिलती है और कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती। प्राइस टैग के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती हैं, लेकिन दोस्तों ये आईफोन है, आईफोन लवर इसको डेफिनेटली बॉय करेंगे। तो दोस्तों इस प्राइस टैग में अगर आप आईफोन बॉय करना चाहते हैं तो ये मोबाइल फ़ोन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस लिस्ट में जो सेकंड स्मार्टफोन हमारे पास वो सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग गैलेक्सी S9। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ आता है, डिज़ाइन के साथ साथ आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी शानदार मिलने वाली है। 4GB 64GB का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जबकि 5.8 इंचज का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। कर्व डिस्प्ले है दोस्तों, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ मोबाइल में आपको प्रोसेसर एक्सिनोज 9810 का मिलने वाला है, जो कि प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। मोबाइल के बैक पर आपको सिंगल कैम मिलता है 12 मेगापिक्सल का, लेकिन दोस्तों आप इसके 12 मेगापिक्सल के कैमरा से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ मोबाइल के फ्रंट पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, 3000 mAh की बैटरी और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। और दोस्तों इसका एक और प्लस पॉइंट, इस मोबाइल फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलती है। 50 से 60,000 की प्राइस टैग में ये स्मार्टफोन भी आपकी बेस्ट चॉइस हो सकता है। इस लिस्ट में जो लास्ट का स्मार्टफोन हमारे पास वो भी सैमसंग की तरफ से है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 8। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं दोस्तों तो ये मोबाइल फ़ोन डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। सैमसंग की नोट सीरीज़ को अमूमन वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने लैपटॉप के काम भी अपने स्मार्टफोन से ले रहे होते हैं। सैमसंग का फ्लैगशिप का स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको कैमरा परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, हर एक चीज़ परफेक्ट मिलने वाली है। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के ही कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p पर। आप इसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। मोबाइल के बैक पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल। आप इसके बैक कैमरा से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। जबकि फ्रंट की बात करें, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो एक्सिनोज 8895 का आपको प्रोसेसर मिलने वाला है। प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। आप इस पर पबजी, फोर्टनाइट या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हाई परफॉर्मेंस गेम को हाई सेटिंग्स पर बआसानी खेल पाएंगे, कोई लैग आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मोबाइल में आपको 3300 mAh की बैटरी मिलने वाली है और साथ में आपको क्विक फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। इसके साथ साथ मोबाइल में आपको 6GB 64GB का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, 6.3 इंचज का आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो ये आपको 52 से 55,000 की प्राइस टैग में 9x10 कंडीशन में बआसानी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस मोबाइल फ़ोन को लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन में कोई लैक नहीं देखने को मिला है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अब तक ये मोबाइल फ़ोन मुझे दे रहा है। तो अगर आप 50 से 60,000 की प्राइस टैग में कोई बेस्ट मोबाइल फ़ोन बॉय करना चाहते हैं यूज कंडीशन में, तो मेरे ख्याल में गैलेक्सी नोट 8 आपको बेटर चॉइस, बेटर फीचर्स प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये थे 30 से 60,000 की प्राइस टैग में टॉप 10 स्मार्टफोन्स। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इन तमाम मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।